तो कैसे हो आप? कैसे हैं आप लोग? कैरी की कॉपी, 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 कैरी की कॉपी। अरे चुप, फिर क्या हो गया? अगर कैरी की एक लाइन बोल दी तो आज की तो पूरी वीडियो ही कैरी के बारे में है भाई। सबने उसके बारे में वीडियो बना ली, अब तुम क्या नया करोगे? दोस्तों आज मैं आपको कैरी मिनाटी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से यूट्यूब ने कैरी की वीडियो डिलीट कर दी। क्या मिस्टेक हुई होगी कैरी से? ज्यादा मत सोच कुल्लू, मैं बताता हूँ। दोस्तों अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना, ताकि आप फ्यूचर में कैरी जैसी गलती कभी ना कर सके। आइए देखते हैं कि कैरी मिनाटी ने क्या गलती कर दी। दोस्तों कैरी मिनाटी जो 2014 से यूट्यूब पर काम कर रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की गाइडलाइंस कुछ ऐसी हैं कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल, यहां मैं छोटे मोटे ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा, यहां मैं बात कर रहा हूं टिकटॉकर्स की, जिन्होंने कैरी की वीडियो को रिपोर्ट किया। सुनने में आया है कि इन टिकटॉकर्स ने मिलकर कैरी की वीडियो को रिपोर्ट किया था। भैया मुझे तो कुछ टिकटॉकर उन बच्चों जैसे लगते हैं जो स्कूल में मेरी मैम को हर वक्त शिकायत करते रहते थे, मैम मैम कुल्लू ने हमें गाली निकाली। एंड भैया अगर मैं टिकटॉक पे होता एंड कैरी मिनाटी जैसा बड़ा यूट्यूबर मुझे रोस्ट करता तो मेरी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ जानी थी। हाँ कुल्लू, बहुत। दोस्तों यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों के द्वारा कंप्लेंट करने की वजह से कैरी मिनाटी की इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया, ये कहकर कि ये वीडियो यूट्यूब की टर्म्स फॉर सर्विस यानी ये वीडियो उनकी सेवा की शर्तों का उल्लंघन करता है। देखिए ये इसका स्क्रीन ग्राफ। कैरी की इस वीडियो को साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट कहा गया। इसके पीछे उन टिकटॉकर्स का बड़ा हाथ था जिनके बारे में ये वीडियो था। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि कैरी ने यूट्यूब को डिफेंड करते हुए ये वीडियो बनाया एंड यूट्यूब ने ही इस वीडियो को डिलीट कर दिया। अगर यूट्यूब की बात करें तो हमें यूट्यूब के पेज पर कुछ ये लिखा हुआ मिला, गाली गलौज से भरी वीडियो या कमेंट यूट्यूब पे पोस्ट करना ठीक नहीं है। अगर वीडियो में या कमेंट में हो रही हरासमेंट दुर्भावनापूर्ण हमले में तब्दील हो जाती है तो इसे रिपोर्ट किया जा सकता है या यूट्यूब से इसको हटाया जा सकता है। इस वीडियो के वक्त ट्विटर पे 5 में से 4 ट्रेंड इस वीडियो के साथ जुड़े हुए थे। यूट्यूब के इस हमले के शिकार सिर्फ कैरी मिनाटी ही नहीं, और भी यूट्यूबर हैं जिन्होंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पर वीडियो बनाया था, यूट्यूब ने उनका भी वीडियो डिलीट कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर गाली गलौज वाली वीडियो नहीं होती, बट अगर कोई गाली गलौज वाली वीडियो ज्यादा वायरल हो जाती है एंड उस पर बहुत ज्यादा लोगों की आपत्ति हो जाती है तो यूट्यूब भी सत्ते में आ जाता है। इससे पहले कि गवर्नमेंट यूट्यूब पर कुछ एक्शन ले, यूट्यूब खुद को प्रिवेंट करते हुए मुश्किल हालात बनने से पहले ही वीडियो को डिलीट कर देता है। कैरी मिनाटी की वीडियो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों से रिपोर्ट होने के बाद यूट्यूब ने कैरी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग वायरल वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि आप लाख कोशिश करने के बाद भी उस वीडियो को साइबर बुलिंग या हरासमेंट वाली कैटेगरी से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए यूट्यूब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। यूट्यूब की देखा देखी में बाकी सोशल मीडिया भी कैरी की वीडियो के बारे में एक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने यूट्यूब वीडियो में गाली गलौज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है। लेकिन भाई कुछ भी हो, मुझे तो कैरी मिनाटी की वीडियो बहुत अच्छी लगी। हाँ कुल्लू, मुझे भी। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि कैरी मिनाटी की वो वीडियो वापस आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कैरी मिनाटी के हक में उठी इस आवाज को और हौसला मिल सके। रुको रुको भैया, मुझे कुछ कहना है। यस कुल्लू। दोस्तों अगर आप भी यूट्यूब पर कैरी मिनाटी की वीडियो देखने जा रहे हैं तो कृपया अपने हेडफोन पहन लीजिए, वरना बहुत पिटोगे अपने घर वालों से।